तो आज के इस 2 दिवसीय चर्चा में और लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप सभी लोग परिचित हैं कि हमारा जो आज का विषय है वो श्रीमद् भगवद् गीता के द्वितीय अध्याय के मुख्य विषयों को लेकर के है। 2 दिनों में हम प्रयास करेंगे कि द्वितीय अध्याय जो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है उसमें कौन कौन से विषयों को लिया गया है, कौन कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया गया है और विचार की प्रक्रिया इसमें क्या रही है, इन सारी चीजों को हम देखने का समझने का प्रयास करेंगे। और इन सारी बातों की विशेषता ये भी रहेगी कि इसको आज पढ़ाने वाले जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति का मुख्य विषय जो है वो राजनीति शास्त्र है, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान है। और मजेदार बात ये है कि पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर आर के गुप्ता जी जो हैं गीता और संविधान के ऊपर ही अपना काफी काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम लोग उस विषय के ऊपर भी बहुत सारी बातें सुनेंगे कि किस तरह से संविधान, भारतीय संविधान और गीता के आपसी जो अंतर संबंध हैं वो क्या हैं और किस रूप में गीता से संविधान समर्थन भी लेता है। लेकिन यहाँ पर हमने, क्योंकि ये विषय समय की सीमा भी है और बातचीत भी मुझे आप लोगों से थोड़ी सी करनी है, कि डॉक्टर साहब से गीता के बारे में अक्सर बातचीत होती रहती थी, तो ऐसे ही उनसे मैंने फिर एक दिन निवेदन किया कि क्यों ना बच्चों को थोड़ा सा इस दृष्टि से आप चर्चा करें, क्योंकि संस्कृत के टीचर होने के नाते हमारा अपना एक दृष्टिकोण होता है और क्लास टीचर होने के नाते हम एक बड़े संक्षिप्त दृष्टिकोण से इन चीजों को पढ़ाते हैं, लेकिन आप जब अपनी दृष्टि से पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से वो उसका एक अलग प्रभाव होगा, हमारे लिए भी एक एक्सपोजर मिलेगा और सभी के लिए वो लाभकारी भी होगा। और इस बात से आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे साथ कई सारे लोग, कई टीचर्स, कई स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं चर्चा में और ये चर्चा बड़ी प्रभावी रहेगी। एक आध मिनट में मैं आप लोगों के साथ जो बात शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि इतनी देर से हम लोग गीता के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बल्कि समाज में अति चर्चा गीता पर हो चुकी है, लेकिन फिर भी ऐसा बहुत कुछ है जो हमें समझ में नहीं आता, गीता को हम आत्मसात नहीं कर पाते। तो इसलिए अगर हम इन सारी बातों को थोड़ा देखेंगे, समझेंगे विभिन्न दृष्टिकोणों से, तो हमारी समझ भी बढ़ेगी और हम लोगों का ज्ञान वर्धन भी होगा। सामान्य रूप सुप्रभात से, सुप्रभात, सामान्य रूप से गीता को समझ लिया जाता है कि कृष्ण और अर्जुन का ये संवाद है और उन दोनों में जो बातचीत हुई है एक बड़ी स्पिरिचुअल, बड़ी धार्मिक ये सारी बातें हुई हैं। मेरी दृष्टि में गीता बिल्कुल भी धार्मिक ग्रंथ नहीं है, जिन अर्थों में हम रिलीजन या अब्राहमिक रिलीजन्स की बात करते हैं उस दृष्टि से बिल्कुल भी धार्मिक ग्रंथ नहीं है। दो तरह के संस्कृत में ग्रंथ हैं, एक है चरित्र ग्रंथ और दूसरे हैं विचार ग्रंथ। गीता दोनों का मिश्रण है। चरित्र ग्रंथों में आप रामायण, महाभारत, भागवत और जितने पुराण आदि हैं वो सारे जो हैं चरित्र ग्रंथ हैं और समाज में उनका बड़ा प्रचलन है, क्योंकि हम समाज को एक चरित्र के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से एक स्तर देना चाहते हैं। विचार ग्रंथ जिस तरह के सांख्य के और वेदांत के, ये सारे विचार ग्रंथ हैं और इनके माध्यम से हम विचार करने की उन प्रक्रियाओं को सीखने का सीखते हैं जिससे कि हमारी भाषा हमारे आचरण को निर्धारित कर सके। लेकिन गीता की ये विशेषता है कि ये चरित्र ग्रंथ भी है और साथ ही साथ विचार ग्रंथ भी है। तो इसको, जिस ग्रंथ को जो कि महाभारत का पार्ट है, जिसको वेद व्यास ने लिखवाया, गणेश ने लिखा, और इसको जो प्रथम बार सुनने वाले कृष्ण और अर्जुन के अतिरिक्त संजय और धृतराष्ट्र भी हैं। अर्जुन तो मुक्ति की ओर चले गए, आत्म साक्षात्कार की ओर चले गए, लेकिन धृतराष्ट्र अंधे से, अपने अंधत्व से आगे नहीं बढ़ पाए। और वेद व्यास जो नाम है, जैसा कि आप समझते हैं कि ज्ञान का अनंत विस्तार, लेकिन विस्तार भी कैसा, जो
बहुत व्यवस्थित विस्तार है। तो इस दृष्टि से आप देखें कि उस ज्ञान के विस्तार को गणेश ने किस तरह से शब्दों में बांध दिया, उसका एक आज हम प्रारूप देखने जा रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आमंत्रित कर रहा हूं आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री डॉक्टर आर के गुप्ता जी, रविंद्र कुमार गुप्ता जी, जो पूर्व अध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर हैं राजनीति शास्त्र विभाग के आरकेएसटी कॉलेज कैथल से, और निरंतर ज्ञान में उनकी जिज्ञासा बनी रहती है। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ज्ञान के प्रति उनका उत्साह कभी कम नहीं हुआ। जीवन में सभी के कष्ट आते हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं, तो बहुत आसान तरीका होता है कि मैं उन समस्याओं पर दोष दूं और ज्ञान से अपनी छुट्टी पा लूं कि भी ठीक है, पढ़ने का समय नहीं लगता। लेकिन ऐसे मित्र का मिलना, ऐसे व्यक्ति का मिलना जिसकी हमेशा ज्ञान में रुचि भी है और उत्साह भी है, तो निश्चित रूप से वो स्वागत के योग्य हैं। मैं 3 संस्कृत विभागों की ओर से उनका और बाकी हमारे साथ जुड़े हुए लोगों का स्वागत करता हूँ। संस्कृत विभाग एसटी कॉलेज, संस्कृत विभाग आरकेएसटी कॉलेज कैथल, संस्कृत विभाग गुरु नानक खालसा कॉलेज यमुनानगर, तीनों के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन सब की ओर से मैं स्वागत करता हूं और सीधे सीधे चर्चा के लिए डॉक्टर साहब को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो गीता के जो भी मुख्य विषय हैं उन पे चर्चा करें। और हम इस तरह की चर्चाओं को निरंतर बनाए रखना चाहते हैं। आप लोग हमें थोड़ा सा सूचित कर दें कि आप जिस विषय पे भी बात करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग इस चर्चाओं को बढ़ाते रहेंगे, निरंतरता में रखेंगे। अलग अलग विषयों पे हों, जो भी विषय आपको उचित लगे उसके बारे में आप मेरे से बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन अब समय है कि हम सीधे सीधे श्रीमद् भगवद गीता की ओर अग्रसर हों। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी को कि वो अपनी बातचीत अगले आधे घंटे के लिए हमारे साथ करें। धन्यवाद। धन्यवाद आशुतोष जी। अपनी बात कहने से पहले मैं आप तीनों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझ पर जो विश्वास दिखाया है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके विश्वास पर खरा उतरूं। और अब मैं अपनी बात पर आता हूं। आपने बहुत ही सुंदर व्याख्या करते हुए एक बात कही है अभी कि विचार और चरित्र का मिश्रण है। वास्तव में यदि आप भगवत गीता का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि वहां पर जो नाम दिए गए हैं, जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण के लिए 40 संबोधन है और अर्जुन के लिए 22 संबोधन है। अब जो संबोधन है वो वास्तव में सर उनके जो चरित्र है उनको दिखाता है, उनकी विशेषताओं को बताता है। भगवत गीता में जितने भी श्लोक हैं, जहां पर भी यदि भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किया गया अलग अलग नामों से, तो ये भी एक बड़ा ही शोध का विषय है, मनोवैज्ञानिक है कि वो वही क्यों कहा गया। ऐसे ही ठीक अर्जुन के लिए कहा गया है। यदि हम उनको नहीं समझेंगे तो मैं ये मानता हूं कि हम भगवद गीता को सार रूप में भी नहीं समझ पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम द्वितीय अध्याय को अध्ययन करने के लिए हमें थोड़ा सा पृष्ठभूमि में अध्याय 1 में जाना होगा। अब देखिए उसमें भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्जुन ने पहला जो संबोधन किया है 21वें श्लोक में, वो किया अच्युत, कि भी हे अच्युत मेरे को सेना के दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए। अब अच्युत शब्द क्यों किया? अच्युत का आप शब्द का जानते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्टडी है, जो उसका माइंड बदलता नहीं है, जो अपनी विजडम में, जो अपने ज्ञान में, अपनी बुद्धि में सदैव स्थिर है। अस्थिर बुद्धि से अस्थिर मन होगा, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण को जो अच्युत कहा गया, तो वो एक हमारे जो हमें भी चाहिए कि हम अपने चरित्र में उस गुण को लाएं, तभी वो वही व्यक्ति शिक्षक बन सकता है जो अपनी विजडम में भी अच्युत होना चाहिए। और इसी प्रकार से देखें आप
अर्जुन के कहने पर जब श्री कृष्ण उसके रथ को ले जाते हैं, यहाँ बड़ा मनोवैज्ञानिक है सर। उन्होंने कहा था सेना के दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं, लेकिन श्री कृष्ण लेकर कहाँ जाते हैं? भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने, और उसको वहां पर क्या कहते हैं? 25वें श्लोक में आता है सर कि हे पार्थ, तो इन कौरवों को देख, क्योंकि श्री जो अर्जुन है वो भी तो कौरव वंशी हैं, कुरु वंश के हैं, यानी कि जहां पर आप ये कह सकते हैं कि वो अपनों के बीच में जा रहे हैं। अब देखिए सर, यहां पर देखें आप इस प्रथम अध्याय में बड़ी इंटरेस्टिंग दो तीन चीजें आती हैं जो कि पूरी पृष्ठभूमि बना देती हैं। अर्जुन जो है, उस दिन युद्ध के लिए जाने से पहले उनको मालूम था कि भीष्म भी वहां पर होंगे, द्रोणाचार्य भी होंगे, कृपाचार्य भी होंगे, गुरुपुत्र अश्वत्थामा भी होंगे, सभी होंगे। और वो क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि मैं इस दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ साथ जो जो है उन सबको मैं देखूंगा। यहाँ पर उसका अहंकार भी है, लेकिन जब वहां जाते हैं उनको देखते हैं तो उसके बाद उनमें मोह उत्पन्न हो जाता है, आसक्ति पैदा हो जाती है, और व्यक्ति के चरित्र में, व्यक्ति के कार्यों में, व्यक्ति के कार्यों को निर्देशित करने में वो आज भी उतना ही सही है जो उस समय भी था। सबसे बड़ा जो कारक होता है मोह होता है। और मुझे याद आ रहा है कि अभी पिछले गाना भी आया, बच्चे समझते होंगे, सुना होगा, बड़ा मशहूर गाना, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोक टोक ना सूझे, किस तरह ये ग्रह सुलझाऊं। तो ये जो ग्रह सुलझाने का कार्य है वो भगवत गीता में श्री कृष्ण कर रहे हैं, और वो जो किस तरह से होने मिल रही है वो अर्जुन है। ठीक ऐसे ही देखिए सर आप, ये जो मोह है इसका एक तो रूप ये है कि जहां व्यक्ति मोह में आकर गलत कार्य की ओर प्रवृत्त हो जाता है। मोह एक ऐसी चीज है कि जो हमें अपने परिवार, अपने सगे संबंधियों, बंधुओं से बांधती है, और कभी कभी वो हिंसा की ओर भी ले जाती है, जैसे कि दुर्योधन को ले गई। अभी आपने सुना होगा सर कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग गाना आया है, अभी 2-3 महीने पहले आया है शायद, पंजाबी का, जिसमें वो कहती है लेडी, ओ तेरे की लग दे जिन्होंने मेरे पिंड फायर ठोके। तो लड़का जवाब देता है, जिन्ना पीछे तू पूछ दी बलिए ओ तो मेरे जिगर दे टोटे। द्रौपदी दुर्योधन का भी यही हाल है। यहां पर यदि आप देखें तो अर्जुन जब वो मोहग्रस्त हो जाते हैं तब तो वो अनेक तर्क देते हैं कि मैं युद्ध ना करूं, युद्ध ना करने के पक्ष में तर्क देते हैं। और फिर बाद में प्रथम अध्याय के उसमें जो संजय के द्वारा कहा गया 47वां श्लोक, जिसमें उन्होंने दिखाया कि पूरी तरह से अर्जुन का नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है, वो सारे लक्षण है वहां पर, और जहां पर वो ये कहते कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा नहीं कहता है कहीं पर भी, बल्कि उन्होंने क्या कहा, शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन अपने बाणों को छोड़कर रथ में बैठ जाते हैं। यहां पर यदि आप देखें, ये जो मोह से उत्पन्न हुआ है शोक, और शोक और मोह होने के कारण अर्जुन जो उसे कार्य करना चाहिए था उसको नहीं करते हैं, वो एक पलायनवादी दृष्टिकोण अपना लेते हैं, कंफ्यूज हैं, क्योंकि उनके सारे शारीरिक चिन्ह जो है एक नर्वस बैकग्राउंड वाले हैं। और इसी बैकग्राउंड को लेकर ही यदि हम चलें तब तो मैं समझता हूं हम द्वितीय अध्याय को समझ पाएंगे। और इसमें यदि आप देखें द्वितीय अध्याय में पहला जो श्लोक है संजय का है, यहां पर संजय बहुत, मैं संस्कृत श्लोक नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ वो बता रहा हूँ बच्चों को समझ में आ जाएगा जल्दी, कि संजय क्या कह रहे हैं कि उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लिए
मधुसूदन शब्द का संबोधन। आमतौर पर अधिकांश किताबों में भी ये लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने मधु नाम के एक दैत्य का वध किया था। लेकिन आगे श्लोक में जाकर इसी अध्याय में मधुसूदन अरिसूदन दोनों शब्द एक साथ आए हैं, तो केवल इतना कह देने से कि मधु, मैं ये समझता हूं कि मधुसूदन इसलिए उनको कहा गया। एक बच्चों से है मेरा प्रश्न, सोचें वो, हम भी सोचें कि प्रत्येक व्यक्ति को सबसे मधुर क्या लगता है, सबसे मीठा क्या लगता है, सबसे मीठा क्या है? तो आमतौर पर उत्तर मिलेगा कि शहद है। नहीं, शहद नहीं है सर। वैचारिक दृष्टि से यदि हम देखें तो सबसे मीठा मुझे क्या लगता है, कोई मेरी प्रशंसा करे, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है, तो वो जो आत्म प्रशंसा है, सुनना, जो आत्म श्लाघा है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उस पर विजय पाई हुई है। भगवान श्री कृष्ण अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। उनके जीवन चरित्र की एक ये विशेषता है कि उसके लिए उन्होंने कभी अपेक्षा नहीं की कि कोई उनकी प्रशंसा करेगा या आलोचना करेगा, क्योंकि वो अच्युत हैं, वो स्थिर बुद्धि हैं, उनके मन में कहीं उस तरह का वो नहीं है। इसलिए उनको एक और, हालांकि यहाँ पर नहीं है इस श्लोक में, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया कि जो इंद्रियों का स्वामी है, उनका नियंत्रण है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर जो मधुसूदन शब्द है वो इसीलिए है कि वो जो है अपनी प्रशंसा के लिए कुछ नहीं करने जा रहे हैं। और यहाँ पर यदि आप देखें तो जैसे उन्होंने कहा अश्रु पूरित नेत्रों से, जब मैं ये समझता हूँ कि अर्जुन तो ये सोच रहे होंगे कि देखिए मैंने करुणा की बात की है, करुणा तो बड़ा सद्गुण है और आंखों से उसके आंसू भी आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है यदि कि हमारे सामने किसी के प्रति आंसू आए तो हम उसके प्रति सहानुभूति रखेंगे, उससे दो शब्द मीठे बोलेंगे ताकि आ जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, जहां से शुरू होता है दूसरा जो श्लोक है, श्री भगवान बोले हे अर्जुन तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि यह न तो शेष पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला और न ही कीर्ति करने वाला ही हो। क्योंकि ये जो स्थिति है ना सर यहां पर अर्जुन की, वो बड़ी स्पष्ट है, वो युद्ध में आया है अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण को मालूम है कि ये युद्ध करने के लिए आया है, इसका धर्म है, लेकिन इस समय एक ऐसी विषम परिस्थिति में वो एक प्लायनवादी दृष्टिकोण अपना रहा है, और ये जो प्लायनवादी दृष्टिकोण है इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने दो तीन बातें कही हैं इस श्लोक में। देखिए आप अनारे जुष्टम, यहां मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं सर कि जो आर्य शब्द है वर्तमान में उसका बहुत ज्यादा विकृत और गलत लिया गया है अनुवाद पश्चिमी देशों द्वारा, और जिसकी ओर मैक्स मूलर ने तो संकेत भी किया था कि वो इस चीज को नहीं मानते कि आर्य जो है कोई वंशानुगत या कोई जो है बायोलॉजिकल है। आर्य शब्द जो है हमारे यहाँ पर एक श्रेष्ठ विचार रखने वाले व्यक्ति, एक श्रेष्ठ आचरण करने वाले व्यक्ति के लिए आया है, और इसलिए हमारे भारत का पहले नाम आर्यव्रत ही था। तो इसलिए आर्य जो है शब्द वो किसी जाति विशेष, किसी वंशावली का द्योतक नहीं है, जैसे कि पश्चिमी देशों ने हमारे देश को तोड़ने के लिए किया। एक पूरी बहस रही है हमारे यहाँ पर कि आर्य जो है बाहर से आए और यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ थे, उनको लड़ाने के लिए, तो आर्य शब्द का वो बिल्कुल भी अर्थ नहीं है। और इसलिए यहाँ क्या कहा गया, पहले अनार्य जुष्टम, कि जो आप अर्जुन जो तू कार्य कर रहे है ये कैसा है, ये अनार्य, क्योंकि ये शेष पुरुष द्वारा नहीं है। फिर क्या कहा गया, अस्वर्गम, स्वर्ग को देने वाला नहीं है। स्वर्ग का अर्थ क्या है यहाँ पर,
कि हम ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे हमारी को दुख पहुंचे या दूसरों को दुख पहुंचे। तीसरा उनका अकीर्ति, हो सकता है कि मेरे को किसी कार्य करने से कीर्ति ना मिले, परंतु बदनामी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। इसीलिए आगे देखेंगे आप, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ये जो तो कार्य कर रहा है इससे कैसे दुख आएंगे, वो धीरे धीरे फोल्ड होगा जब हम अनफोल्ड करेंगे। तो ये जो तीन शब्द हैं यहाँ पर, अनार्य, अस्वर्ग और कीर्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए सर, यदि हम वर्तमान स्थिति में देखें, क्या कोई सीईओ कंपनी का मीटिंग में ये कह सकता हो मैं तो आज बड़ा डिस्टर्ब हूं मेंटली, इसलिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता, उसका क्या प्रभाव होगा? या जैसे हम देखें इसी बारे में, आज के संदर्भ में मैं यदि लूं, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का है कौरव है, और जो हम युद्ध कर रहे हैं हम पांडव हैं। हम यदि ये सोच लें कि हम तो इसको मुकाबला ही नहीं कर सकते या एक दूसरे से सहयोग ना करें, तो क्या वो कार्य आर्य चित्र के अनुसार होगा? नहीं होगा। वो कार्य क्या हमारी कीर्ति देने वाला होगा? नहीं होगा। चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से आप कितनी आलोचना प्रतिलोचना करते रहें, प्रश्न क्या है कि आज के संदर्भ में यदि हम देखें तो हमें इसका मुकाबला करना है, जो कि भगवद गीता के इस श्लोक में आ रहा है कि इस विषम परिस्थिति में हम कंफ्यूज ना हो कि हमें क्या करना है, हमारे लक्ष्य सीधा होना चाहिए। तो ये जो श्लोक है ये व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ होकर, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों में अस्थिरता नहीं लानी है। और इसी बात को इससे भी आगे जो तीसरा श्लोक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, वो क्लेब्यम समगमे पात नेतृत्व पद्धति शुद्र हृदय दुर्बल्यम त्योकृष्ट परम तप है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परम तप, हृदय की तुझ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस श्लोक पर सर मैं समझ थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा मैं, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें आई हैं। यह सबसे पहले तो आया है शब्द क्लेब्यम, इसको लेने से पहले यहां सर मैं जो एक शब्द आया अर्जुन के लिए पार्थ, बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। अर्जुन के लिए श्री कृष्ण ने जो सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था भगवद गीता में, वो पार्थ ही है। अर्जुन तो है ही, उसका पार्थ है। और अंतिम जो है 18वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ शब्द का ही प्रयोग किया है। अक्सर क्या होता है सर कि हम पार्थ का एक ही अर्थ ले रहे हैं ज्यादातर, पर वो क्या है कि पार्थ का अर्थ है पृथापुत्र। कुंती का वास्तव में नाम जो था वो पृथा था। अब पृथा जो है यह एक नाम नहीं है, ये एक विचार है, और इसका बड़ा ही स्वामी चिन्मयानंद जी ने अपनी जो भगवद गीता पर उनकी पुस्तक का होली गीता, उसे बड़ा अच्छा अर्थ दिया है। वो क्या कह रहे हैं, पार्थ का अर्थ है पृथापुत्र अर्जुन। इस संस्कृत शब्द में पार्थिव की गंध मिलती है, जिसका अर्थ है मृतिका निर्मित। यह संबोधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य यह है कि गीता सत्य का संदेश है, जिसे अमृत स्वरूप भगवान ने मनुष्य के सार्वकालिक प्रतिनिधि मृत्यु पुरुष अर्जुन को सुनाया है। यानी कि यहां पर और इसी बात को एक दार्शनिक दृष्टिकोण देते हुए स्वामी योगानंद जी ने अपनी पुस्तक में कहा है, पृथा का अर्थ क्या है,
प्रीता का अर्थ है आंतरिक वाणी जिसमें अंतर नहीं था, त्याग की शक्ति का हमें स्मरण कराती है जो उसे अपनी वर्तमान दुर्बलता से बचा सकती है यदि वह अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करे। तो आंतरिक वाणी क्या कहती है, वो आगे कहते हैं, आंतरिक वाणी कहती है कि इंद्रियों से आसक्ति को त्यागो, त्याग की शक्ति का उपयोग करके सभी अपूर्षता रहित गुणों को त्याग दो, ऐसा कुछ भी ना करो जो आत्मा की प्रकृति के विरुद्ध जाता हो। यहां देखिए सर, एक और भगवान श्री कृष्ण पांच शब्द की बात कर रहे हैं, और जैसा कि स्वामी योगानंद जी ने कहा कि सभी अपूर्षता रहित गुणों को त्याग दो, और शब्द क्या बोला, क्लेबियम, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। यहां पर नपुंसकता का अर्थ बायोलॉजिकल अर्थों में नहीं है, क्योंकि यदि व्यक्ति अपने जो कर्तव्य हैं उनके प्रति स्पष्ट ना कंफ्यूज हो जाए और जो उसको करना चाहिए वो ना कर रहा हो अथवा उससे प्लान कर रहा हो और अपने को सही सिद्ध करने के लिए अपने व्यवहार को वो तर्क और कुतर्कों का सहारा लेता है तो वो भी एक नपुंसकता या अपुरुषता कहना ज्यादा उचित होगा। और यहाँ पर यदि आप देखें सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैं मानता हूं कि अपुरुषता भी दो प्रकार की है सर, एक है नकारात्मक और एक है तटस्थ। स्वामी योगानंद जी ने ये कहा है कि जो तटस्थ अपुरुषता है वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि नकारात्मक अपुरुषता में फिर भी आपको कुछ सोचना होगा, आपको कोई विचार करना होगा। यहाँ पर अर्जुन देखिए इस स्टेज पर ये नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो तो बाद में जाके नौवें श्लोक में कहेंगे। तो इसलिए यहां पर इस बात का बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि हमें जो है जो कार्य करना है वो नपुंसक बनकर आप कर ही नहीं सकते, फिर तो आपकी पराजय सुनिश्चित है। और इसको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा सर, शायद आप असहमत हो सकते हैं और मेरा कोई इरादा किसी पर राजनीतिक क्षेप या प्रतिक्षेप लगाने का भी नहीं है। बहुत सालों से मैं क्योंकि राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं तो हम तो यही पढ़ते थे कि भारत ने जो है आतंकवाद को सहन करता है, लेकिन आज तक जैसे कि पर्टिकुलर ओसामा बिन लादेन को जैसे अमेरिका ने मारा कि घर में घुसकर दूसरे देश के आप में इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन भारत ने पिछले वर्षों में चाहे वो एयर स्ट्राइक किया या सीमा पार की, तो ये दिखाता है कि जहां आप नपुंसकता को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। भगवद गीता का ये जो इस श्लोक में निहित संदेश है मैं समझता हूं उस सरकार ने पूरा किया है। इसी प्रकार से यदि आप देखें पहले चाहे वो डोकलाम विवाद था या वो गलवान वैली वाला घटना हुई, उसके बाद चीन की सेना हमारे इलाकों में आई, हमने उनको किस तरह से मजबूर किया, हालांकि अभी पूरी तरह से नहीं हुआ, लेकिन आज ये स्थिति तो अवश्य है कि अब हम वो नहीं है भारत कि जो जहां पर जब मर्जी विदेशी सेना आए आए अपनी मर्जी से चली जाए वापिस। तो इसमें जो क्लेबियम शब्द है उससे शिक्षा लेते हुए मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, विशेषकर जो हमारी मिलिट्री पावर है, जो हमारी मिलिट्री है, उसने कम से कम इस नपुंसकता को त्याग दिया है जिसका कि संदेश इस श्लोक में हमें मिलता है। और इसमें एक बड़ी, यहां देखिए सर आप, ये क्लेबियम शब्द है ना, ये सीधा सीधा जुड़ा हुआ है शुद्ध हृदय दौर्बल्यम। ये कब होती है कि जब हम हृदय से अपने आप को कमजोर मानते हैं, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर। यहां पर आप देखिए एक शब्द प्रयोग किया अर्जुन के लिए
परम तप। परम तप का अर्थ क्या है कि जो शत्रुओं को तपाने वाला हो, जो शत्रुओं के विरुद्ध पर्याप्त सामर्थ्य रखता हो उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर सके। लेकिन यदि वही व्यक्ति हृदय से दुर्बल हो जाए तो उसका सामर्थ्यवान होना अथवा बलवान होना कोई अर्थ नहीं रखता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर पहली बार शब्द प्रयोग किया सर, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा। एक सामान्य सी बात है सर, यदि कोई व्यक्ति मोहग्रस्त है, शोकग्रस्त है, वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है, आप मित्र के रूप में उसके पास जाते हैं, उससे बड़ी सहानुभूति जताते हैं, और यदि आप ये कहते हैं कि ठीक है तू आराम कर, रेस्ट कर, क्या उसमें उत्साह आएगा? नहीं आएगा। यदि आप उसको कहते हो कुछ नहीं हुआ, कोरोना से क्या डरना, हम इसका मुकाबला करेंगे, तुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, खड़ा हो जा, तो ये जो खड़ा हो जाए उत्तिष्ठ शब्द है ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक है, एक उत्साह भरने वाला है। थोड़ा सा व्यक्तिगत हो रहा हूं मैं इस समय आपके आज की बात को ही सुनकर, और उसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि आपने पर्टिकुलर मेरे संदर्भ में मेरे को हमेशा उत्तिष्ठा की स्थिति में रखा। मेरे को कभी यदि मैंने कभी कहा भी स्वास्थ्य को लेकर हुआ, आपने कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, तो वो आप मेरे तो कृष्ण की तरह रहे हो, विनय जी तो जानती भी है मेरे को व्यक्तिगत रूप से, तो आप दोनों का विशेष रूप से मैं व्यक्तिगत रूप से भी आभारी हूँ कि, और मुझे लगता है कि आप दोनों का व्यवहार मेरे प्रति ठीक वैसे ही रहा है जैसे इस श्लोक में श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति रहा। तो ये उत्तिष्ठ जो शब्द है ये हमारे विद्यार्थियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, और मैं विद्यार्थियों के बारे में संदर्भ में इस श्लोक को लेना चाह रहा हूँ कि होता क्या सर कि कितने बार विद्यार्थी बड़ी मेहनत करता है, उसको मालूम है कि रिजल्ट एग्जाम आने वाले हैं, अर्जुन को भी मालूम था कि युद्ध होने वाला है और उसके लिए वो पूरी तैयारी कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे हमारे विद्यार्थी पूरा साल करते हैं। अब यदि कोई विद्यार्थी जब एग्जाम आ गए, एक दिन रह गए या उसी दिन है, वो किन्हीं कारणों से कहे कि सर मैं तो एग्जाम नहीं दे सकता, आप क्या करेंगे? एक शिक्षक क्या करेगा? उसको मधुसूदन बनना पड़ेगा, उसको उस बच्चे को दो बातें बतानी पड़ेंगी, एक कि आप परम तप हो, आप में योग्यता है, आप अपने एग्जाम को पास कर सकते हो, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है, क्लेबियम बनने की आवश्यकता नहीं है। उस समय यदि वो टीचर शिक्षक उसका उत्साहवर्धन कर देता है तो मैं ये समझता हूं कि वो बच्चा जो कि पलायनवादी हो रहा था वो फिर पुनः आ जाएगा। तो ये जो श्लोक है ये मैं समझता हूं कि विद्यार्थी और शिक्षक के संबंध में भी है कि जहां पर शिक्षक की भूमिका आ जाती है, क्योंकि तो बच्चा जो है विद्यार्थी जो है वो अनेक कारणों से आप कह सकते हैं शोकग्रस्त हो सकता है, जैसे कि अर्जुन है, वो बाकी श्लोकों में आएगा इस अध्याय के कि किन कारणों से हो सकता है, कैसे हम उसको दूर करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो तीसरा श्लोक है अध्याय दो का, जिसे परम तप के साथ साथ हृदय की दुर्बलता को, और क्योंकि एक और शब्द इसमें कहा गया सर, ये तीनों बातें के लिए न तत्व पद्धति, यह तुझे उचित जान नहीं पड़ता। अब आप देखिए सर, एक और भगवान श्री कृष्ण बहुत ही जिसे कहते हैं शोक ट्रीटमेंट देना, जैसे नर्वस ब्रेकडाउन होता है ना जी, तो एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के रूप में यहां पर उसको शोक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसको नपुंसक बता रहे हैं, जैसे कहते हैं बिजली का झटका दे दिया, लेकिन उसके बाद क्या कह रहे हैं कि यह तुझे उचित जान नहीं पड़ता,
लेकिन जो तू कर रहा है वो उचित नहीं है, जो कि बहुत ही सकारात्मक, जो कि उसके वो जो शोकग्रस्त होने के कारण जो उसका मोरल डाउन है उसको बढ़ावा देने के लिए है, एक कॉन्सिलिएटरी है, एक परामर्शदात्री है। क्योंकि अर्जुन कौन है? आर्य, जो कि उसका आचरण उचित है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो अपने उससे पथ भ्रष्ट हो रहा है। तो ये जो शब्द है ना कि यह तुझे उचित जान नहीं पड़ता, यदि एक शिक्षक ये कहता है एक विद्यार्थी से कि भाई तेरा एग्जाम में ना बैठना ये उचित जान नहीं पड़ता, तो उसका प्रभाव होगा, उसको उत्साहित करेगा। क्योंकि तो जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि यह तुझे उचित जान नहीं पड़ता, तब तक हम उत्तिष्ठ भी नहीं कह सकते। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें ओ चल चल खड़ा हो एग्जाम दे, पहले हमें उसको बताना होगा कि ये तेरे लिए क्यों उचित नहीं है। ये तो हम कहेंगे कि उचित जान नहीं पड़ता, तो मैं ये समझता हूं कि ये जो दूसरा और तीसरा श्लोक है अध्याय दो के, ये इनका विश्लेषण हमें मनोवैज्ञानिक दृष्टि से करना उचित है और होना चाहिए। क्योंकि इसमें जो तीनों शब्द आए हैं, अर्जुन भी आया है, पार्थ भी आया है और परम तप भी आया है, जो कि किसी भी व्यक्ति के चरित्र को बताता है, केवल नाम नहीं है वो। और इससे आगे यदि आप देखें सर, ये दो श्लोक है, उसके बाद फिर अर्जुन का आता है। अब यहां पर सर आप देखिए अर्जुन की स्थिति में बदलाव दिखाई देगा आपको। अब यहां पर वो बड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं और वो क्या कह रहे हैं अर्जुन, हे डॉक्टर मधुसूदन मैं रण भूमि में। डॉक्टर साहब क्योंकि 9:40 हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो वो फिर अगला पीरियड भी जो है ना ठीक है। अच्छा वो रुकना पड़ेगा। और एक रिक्वेस्ट सर, इन विद्यार्थियों के यदि उनकी कोई शंकाएं हो ना जी, तो वो जी आपको बता रहे या लिख कर दे रहे, हम उनका भी ना कल फिर हाँ, निवारण। वो थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे क्योंकि सभी को समय हमने जो है 9 से 9:40 का दिया हुआ है। तो ठीक है सर। मैं चाहता था कि भी आखिरी जो 5 मिनट हैं वो चर्चा के लिए रहें, कुछ प्रश्न, हाँ, या क्योंकि बिल्कुल मैडम बिल्कुल विनय सिंघल भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर लवलीन जी और डॉक्टर सीके झा और हाँ भी जी, कई लोग हमारे पास साथ जुड़े ठीक हुए है हैं। सर। हाँ वो तो नया चैप्टर शुरू, हाँ नई डॉक्टर बात शुरू हो रही थी। हाँ डॉक्टर अंजलि दीवान हैं शिमला से, वो हाँ जी, हाँ भी जी, इस विषय को जुड़ी हुई हैं। तो हाँ उनका कोई प्रश्न हो, हाँ, यदि कोई अपनी कोई टिप्पणी बात हो, कहना कोई चाहें, हाँ प्रश्न करना चाहें, हाँ वो ये करें, हम हाँ कर सकते हैं। स्वागत है उनका। और कल के दिन जो है वो हम इससे पहले कि आज के इस सभा को हम पूर्ण करें चर्चा को, तो किसी की कोई टिप्पणी है और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर विनय सिंघल जी से धन्यवाद ज्ञापन के लिए, लेकिन यदि किसी की कोई टिप्पणी है, कोई बात अपनी रखना चाहता है, और ये भी है कि ये एक प्रयोग है और मैं इस प्रयोग को मुझे लगता है कि अग्रसर करूंगा ही, और मेरा जो अभी मन आ रहा है मैडम विनय और लवलीन जी आप लोग जुड़े हुए हैं, तो अगला जो विषय है वो शाकुंतल पे ले लेंगे। कल अभी हम इसी पे चर्चा रखेंगे, कल की चर्चा तो इसी पे ही है, और उसके बाद शाकुंतल पे भी मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से हम सारे मिलकर के, बल्कि एक दो कॉलेजेस को और भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। सीके झा जी को पूछता हूँ, तो सभी मिलके कुछ ना कुछ इस तरह का हम कार्य अग्रसर करते रहें, छोटा छोटा ही करें। और आप सबकी सूचना के लिए मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 4 तारीख को मैडम लवलीन जो हैं वो एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर एक राष्ट्रीय वेबिनार भी कर रही हैं, वो सूचना आपको आज या कल में हम लोग दे देंगे। लेकिन यदि किसी की कोई टिप्पणी है, किसी विद्यार्थी की या किसी और व्यक्ति की, तो स्वागत है, नहीं है तो मैडम विनय सिंघल जी जो हैं वो मैं चाहूंगा कि तीनों कॉलेजेस की ओर से जो है वो धन्यवाद ज्ञापन करें। आशुतोष जी, जी सर इससे पहले विनय सिंघल जी अपनी बात कहें, मैं विनय सिंघल जी को बधाई भी देना चाहूंगा क्योंकि वो आज से विभागाध्यक्ष का भी अरे वाह वाह, ये तो दायित्व संभालने चलो जा ये तो रही हैं, बहुत और ही उनको शुभकामनाएं भी अच्छा, दूंगा, ये तो चलो बहुत नए दायित्व को कुशलतापूर्वक भाई, निभाएं। हाँ मैडम को बहुत बहुत बधाई हो इस बात की, और ये बहुत अच्छी बात है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि
अब ये डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल सजीव हो जाएगा। उत्तिष्ठ वाली स्थिति जो बात कर रहे थे उत्तिष्ठ के साथ साथ जागृत भी हो जाएगा। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य बोधत। चलिए मैं धन्यवाद, ज्ञापन आप कर दीजिए। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है, आपके श्री चरणों में नमन करती हूँ कि आज आपने मुझे ये मौका दिया, और डॉक्टर आर के गुप्ता जी और आशुतोष सर के मैं चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को छोटा सा बात कहूंगी कि डॉक्टर आशुतोष मुझे हमेशा से ही मेरे गुरुवर तो लगते ही थे। मुझे डॉक्टर आशुतोष भी ब्रह्म ऋषि से प्रतीत होते हैं, जो जैसे अवतार लेकर आ गए हैं और सामान्य जनों तक संस्कृत के अंदर छुपे हुए गूढ़ रहस्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। जैसे एक ब्रह्म ऋषि अवतार लेकर के पृथ्वी पर आते हैं, मुझे उनसे कभी कम नहीं लगे, और मैं अतिशयोक्ति अलंकार का बिल्कुल प्रयोग नहीं कर रही हूँ। आज मेरे लगभग 45 से 50 विद्यार्थी इसके साथ जुड़े हुए हैं, और मैं सभी बच्चों के सामने ये बात बिल्कुल दृढ़ता से कहना चाहती हूँ कि आप सभी विद्यार्थी इन के द्वारा आयोजित सेमिनार्स में जरूर जुड़े, क्योंकि जो गहन ज्ञान हमें प्राप्त हुआ था और जो आपको प्राप्त होगा उससे आपके जीवन में चरमोत्कर्ष निश्चित रूप से मिलेगा। और सभी कॉलेजेस के को साथ लेकर के चलने का जो सर का एक संकल्प रहता है, आर के गुप्ता जी को जो एक माध्यम बनाया हमारे कॉलेज के साथ जुड़ने का और उनके ज्ञान से सभी बच्चों को परिपुष्ट किया, इसके लिए मैं हृदय से आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। जो इन्होंने मोह शब्द को लेकर के बड़ी सामान्य सी बच्चों की भाषा में बच्चों को समझाया ताकि उनके दिल तक पहुंच जाए, उत्तिष्ठ शब्द को उठा करके या क्लेब्य शब्द की जो क्लेब्य मास्म गमह पार्थ को जो बच्चों के तक पहुंचने की भाषा का प्रयोग करके उनको साधारण उदाहरण दे करके उनके हृदय तक पहुंचने की जो आपने प्रयास किए, मुझे बहुत बहुत आपके लिए हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी के विद्वत जनों को हृदय से नमन करते हुए आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हम लोग इसी दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहें, यही हमारे जरूर ये रहेगा प्रयास। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार आपका। और इतने सारे विद्यार्थियों को देख करके तो वाकई मुझे भी संतोष बड़ा हुआ कि संस्कृत में बहुत संभावनाएं हैं। जो मोहग्रस्तता है उससे हम छूट करके उत्तिष्ठता की स्थिति में आ जाएं तो मुझे लगता है कि हम कुछ न कुछ कर पाएंगे। और कल पुनः हम 9 बजे मिलेंगे और 9:40 तक ये चर्चा रहेगी। और अगले जो हमारे कार्यक्रम होंगे, मतलब आप लोगों को देख के ही मेरे मन में ये साथ ही साथ उत्साह का संचार हुआ है कि हम इसको जो है और अग्रसर करेंगे। जितने भी आप लोगों के टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर कोई ना कोई चर्चा करेंगे आप लोग। मैडम विनय, आप भी अपना विषय को चुन लीजिए। सीके झा जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस पे अभी ज्ञान शाकुंतल पे, आप चाहे रघुवंश पे ले लें या जो भी विषय चाहें। मैडम लवलीन आप भी, और भी जितने हमारे साथ लोग जुड़े हैं वो जो भी अपना अपना विषय लेना चाहें ले सकते हैं। झा साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? डॉक्टर सीके कनेक्शन नहीं है, शायद वो अभी निकले हैं। हैं, सुन रहे हैं। हूं। हाँ, तो मैं आपको आदेश देना चाहता हूँ, निवेदन तो नहीं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो मैं इसी तरह, हेलो, हाँ तो मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट वीक में या इसी वीक में जैसे भी हमारी संभावना बनती है, अभी ज्ञान शाकुंतल पे मैं चाहूंगा कि आप 2 लेक्चर्स इसी तरह से 40-40 मिनट के 2 लेक्चर्स जो हैं वो आप तैयार करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। हेलो सर, नमस्कार। हेलो, हाँ जी हाँ जी, हेलो, हाँ जी हाँ जी। बच्चे 1 मिनट करता हूँ आपसे बात, एक बार झा साहब से कर लूँ बात, ठीक है झा साहब? और इसी तरह से हम कोई और विषय भी ले लेंगे, या आप कोई और विषय लेना चाहेंगे? मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जैसे कोई से जैसे ये डॉक्टर साहब आ जाए थे ना जी, तो थोड़े से ना हम लोग तो ये क्लास वाली जो टॉपिक है ये सब पढ़ाते रहते हैं जी, तो कुछ अलग से हटके लोग जो अगर वो लेक्चर देते हैं ना, तो हम लोगों को एक दृष्टिकोण
वो अलग दृष्टिकोण जो है ना कुछ अपने आप को समझने के लिए आगे बच्चों के लिए ये सब थोड़ा, तो मैं थोड़ा इस दृष्टिकोण से मैं चाहता हूँ, हम लोग कोई और टॉपिक पे बोल सकते हैं लेकिन क्लासेज वगैरह जो लेते हैं ना तो वो सिलेबस वाली बात जो है ना वो कुछ अन्य जैसे जो नहीं पढ़ाते हैं उनका क्या दृष्टिकोण है इस सब्जेक्ट के प्रति, तो हम लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा मैं जहां तक समझता हूँ। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं फिर, रामायण पे मैं किसी को देख लेता हूँ क्योंकि वो पक्ष भी है, और शाकुंतल पे भी चलिए देख लेते हैं कोई और भी हमें मिल जाता है तो। ठीक है जी जी, जो स्पीकर लोग हैं ना ताकि। हाँ अच्छा, अभी जो हम 4 तारीख को सेमिनार रख रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आपके कॉलेज को भी उसमें जोड़ा जाए, और इस तरह के जितने भी आयोजन हैं आगे करते हैं वो उसमें बस उसमें भी आप लोग का कॉलेज जो है इसी तरह से जुड़ा रहे। ठीक है, मैं वो ऐड अप कर लूंगा, तो कल का भी जो है वो इसी तरह से हम व्यवस्था रखेंगे। और कल जो है, कल डॉक्टर साहब गीता का जो विषय रहेगा वो 4 कॉलेजेस की ओर से रहेगा, एमपीएन कॉलेज मुलाना की ओर से भी रहेगा, और कल भी हम फिर 9 से 9:40 जुड़ते हैं और बाकी फिर हम लोग आपस में चर्चा कर लेते हैं। ये बीच में कुछ कोई जानना चाह रहा था, कोई टिप्पणी करना चाह रहा था, तो आप अपनी बात। हाँ जी कहिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा प्रश्न ये है, मतलब गीता में मतलब भगवान कहते हैं कि सुख दुख में हमें समान रहना चाहिए जी, लेकिन मतलब कई बार ये है कि जब मतलब हमारे पास दुख आते हैं और तो मतलब दुखी होना ही पड़ता है, लेकिन मतलब उसमें नर्वस तो रहना ही पड़ता है, और उसी प्रकार सुख आते हैं तो मतलब हम सुख खुश भी होते हैं और खुश होना भी जरूरी है जी। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब असली मतलब मीनिंग क्या होता है, मतलब भाई सुख दुख में समान रहना। बहुत अच्छा, बहुत सही है। आपका नाम क्या, लव पुनिया है या? लव पुनिया जी, लव पुनिया है सर। लव पुनिया है, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, आप इसका संक्षिप्त सी टिप्पणी, और झा साहब आप भी इसके ऊपर एक संक्षिप्त सी टिप्पणी अवश्य करें, क्योंकि प्रश्न बड़ा बहुत सहज भाव से, सरल भाव से किया गया है, मतलब मुझे पसंद आया ये प्रश्न करने का तरीका भी और जो प्रश्न है वो भी। पहले तो मैं लव पुनिया जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। इसमें एक्चुअली जब भगवान श्री कृष्ण कहने दुख सुख का समत्व भाव है, यानी कि हमें सुख और दुख में समान रहना चाहिए, इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि व्यक्ति दुख में दुखी नहीं होगा या सुख में सुखी नहीं होगा। केवल उनका कहने का अभिप्राय क्या है कि यदि हम दुखी हैं, दुख आ गया है, तो हम उसको इतना अधिक दुखी ना हो जाए कि हम अपने कर्तव्यों से, अपने दायित्व से सब के छोड़ छाड़ कर, जो हम कहते हैं ना कि अभी चले जाते हैं, और ठीक ऐसे ही यदि आपको सुख आया है तो उसमें भी हम इतना अतिवेग में ना आ जाएं कि हम अपने यथार्थ को भूल जाएं, बल्कि हमें समान भाव कर कि हमें उनके बीच में समतुल्य होना होगा, दुख को देखकर मत दुखी हो जाएं कि हम अपने कर्तव्य से उठ जाएं, और यही स्थिति सुख के साथ भी है। और यदि आप ये देखें, आज का ही बड़ा इंटरेस्टिंग मिला है मेरे को, आज का जो आप टाइम्स ऑफ इंडिया देखें तो उसमें भी आया है, दूसरे अध्याय का जो 16वां श्लोक है उसका संदर्भ में उन्होंने दिया है कि असत की कभी सत्ता नहीं होती और सत्ता कभी अभाव नहीं होता। तो ये जो अपने विवेक से कार्य करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है मुझे कह रहा कि दुख का अर्थ ये नहीं कि हम डिप्रेशन में चले जाए। आज स्थिति क्या है कि हम जब दुख आता है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जब सुख आता है तब हम इतने अधिक प्रसन्न दिखाई देते हैं, वो भी मेटेरियलिस्टिक लाइफ लेकर, जो आज के संदर्भ में यदि आप देखें तो वहां पर वो कहते हैं यदि आप अध्यात्म में जाते हैं, अपने सेल्फ को जाने की कोशिश करते हैं, तब आप शायद सुख और दुख के बीच में जो गुणात्मक अंतर है उसको पाटने का में सफल हो जाएंगे, और आपका जो व्यवहार है वो स्थिर होगा, स्थित प्रज्ञ होगा, जो कि दूसरे अध्याय के बाद में आएगा, तब हम ज्यादा इसके ऊपर हम डिस्कस कर पाएंगे जी। झा साहब आप इस पे कुछ एक संक्षिप्त सी टिप्पणी, अपने को अनम्यूट करके, झा साहब
जी अपने को अनम्यूट कर लें पहले। जी, ये जो बहुत ही सुंदर प्रश्न तो बहुत ही सुंदर और व्यवहारिक भी है, लेकिन इसके लिए कहना है कि आप सुख में और दोनों में समभाव की स्थिति का मतलब यह है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप जब दुखी तो आप उस दुख को अंदर अनुभव जो करते हैं, उस दुख की गहराई में अगर आप चले जाएंगे तो आप उस दुख से उबर नहीं सकते हैं। तो दुख से है उस दुख को, वो जो दुख है वो दुख का धर्म है। आप आत्मा के लेवल पे आप अलग हैं, तो ये जो अनुभूति है आप अगर करते हैं तो आप उस दुख से उबरने के लिए आपकी चेष्टा होगी, और जब आप चेष्टा करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और सुख की स्थिति जब आती है तो ऐश्वर्य की स्थिति में अभिमान अगर हो जाए तो वो भी उचित नहीं है, तो उससे भी जो है ना सुख के वो आनंद आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सुखानुभूति खुद की अनुभूति तो है ही, लेकिन सामाजिक परिवेश में अगर देखें तो व्यक्ति सुखी तब कहलाता है जब आप सामाजिक परिवेश में आपका वही सम्मान, वही सुख का दृष्टिकोण सब लोग अनुभव करें। तो इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, सुख में, दुख में आप समभाव रहे। समभाव अगर रहते हैं तो आप तदनुकूल, आपकी चेष्टा जो है सात्विक होगी और आप उसके अनुकूल तद अनुकूल आचरण करेंगे तो आप जीवन में सफल हो सकते हैं। बस यही है। जी बहुत सही है। ठीक है पुनिया जी। यस सर, अच्छा, लेकिन इसका यस सर, तीसरा पक्ष भी है। ये तो दो पक्ष हाँ सुने, तीसरा पक्ष भी सुन लीजिए। वो ये है कि सुख और दुख जो है वो आत्मा के धर्म नहीं है, वो आपके मन या बुद्धि के कारण आप उनके साथ जब आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको वो लगता है कि आप सुखी दुखी हैं। तो मूलतः है आप संभाव में ही हैं, आत्मा संभाव में ही रहती है, वो सुख दुख नहीं होता। तो मोहग्रस्तता को आप रखें कि इस मोहग्रस्तता को, इस बुद्धि को, इस मन को अगर हम स्थिर रखेंगे तो वो सुख और दुख संभाव में है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम संवेदनशील हो जाएं, जड़ पत्थर हो जाएं, ऐसा नहीं होता। तो ये तीसरा पक्ष है जिसको जानना बहुत जरूरी है कि ये आत्मा के धर्म नहीं है। जब आप आत्मस्थ होकर के देखेंगे तो वो आपको सब सम ही दिखाई देंगे। सुख और दुख मूलतः उनमें कोई अंतर नहीं है, उत्तेजनाएं हैं, ठीक है ना, प्रतिक्रियाएं हैं। सुख और दुख क्या है? प्रतिक्रियाएं हैं। तो इसलिए वो संभाव जो है वो आत्मा के संदर्भ में है। तो उस दृष्टि से जब आप देखने लगेंगे तो आपको वो नितांत एक भिन्न दृष्टि आपको दिखाई देगी। तो ये तीन पक्ष आज आपको सुनने को मिले हैं, और कल कुछ और प्रश्न लेंगे। अच्छा लगेगा कि अगर विद्यार्थियों के कल हम शुरू में प्रश्न लें और फिर उसके बाद आगे की बात करें। विजय महला, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने अपना हाथ खड़ा किया है, विजय महला। सॉरी सर, मैं सॉरी सर, मैं कल तीसरी मिनट दे रहा। अच्छा, चलो ठीक है। चलिए ठीक है, आज के ये सभा यहीं पूर्ण करते हैं। समापन नहीं है, समापन मुझे लगता है होता ही नहीं है, भारतीय शब्द ही नहीं है। पूर्णता होती है क्योंकि सब कुछ सर्कुलर है, हमारे जन्म होते रहते हैं, पुनर्जन्म होते रहते हैं। तो मुझे लगता है, और जिस दिन मोक्ष होता है उस दिन हम पूर्ण हो जाते हैं। तो सर्कुलर रूप में भी पूर्ण है और मुक्त होके भी पूर्ण है। तो आज की सभा हम यहीं पूर्ण करते हैं, कल पुनः 9 बजे मिलते हैं और 9:40 पे हम समाप्त करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। कल 4 कॉलेजेस की ओर से ये चर्चा आयोजित होगी और फिर भविष्य में देखते हैं और क्या हमारी योजना है। धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं और उसके बाद फिर हम आगे की देखते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सभी का।